हाय गाइस, ये वीडियो मैं सब पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में काफ़ी वायरसेस चल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं और बच्चों में वायरल देखा जा रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आइडली मैं इस चीज़ को ब्लॉग नहीं करना चाहती थी, बट करने का रीज़न ही ये है कि बाकी पेरेंट्स अगर इस सिचुएशन में हो तो उनकी मदद हो सके। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और कबीर का यहाँ पे एडमिशन हुआ हुआ है। कबीर आज चौथा दिन है। कबीर को चार दिन से बहुत ही हाई फीवर जा रहा है। उसका फीवर एक पॉइंट पे 106 टच कर गया था। तो पहले दो दिन वो घर पे ही था। घर पे ही हमने डॉक्टर के अकॉर्डिंगली फीवर को मैनेज करा और यू नो जो फीवर रिड्यूसर्स होती हैं उससे ट्रीट करा, बिकॉज और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ बहुत हाई फीवर आता है, चिल्स आती हैं और उसके बाद आप फीवर रिड्यूसर देते हो, क्रोसिन कैल्पॉल कुछ काम ही नहीं कर रहा। उससे ऊपर की एक फ़ीवर रिड्यूसर दवाई है जो इमरजेंसी में दी जाती है, आप वो देते हो, तीन चार घंटे के लिए बुखार कम होता है, तीन चार घंटे के बाद फिर हाई फीवर आता है। एक पॉइंट ऐसा था संडे को, सैटरडे से स्टार्ट हुआ था, संडे को ऐसा पॉइंट था कि उसका बुखार जब हमने डिजिटल थर्मामीटर पे चेक किया तो विद इन सेकेंड्स 103, 104, 105, 106 पहुंच गया था। उसके बाद तो हमारी हिम्मत भी नहीं हुई चेक करने की, और इतनी एक्सट्रीम चिल्स आ रहे थे कि आप साथ में उसको स्पॉन्ज नहीं दे सकते थे, बिकॉज स्पॉन्ज वो बॉडी ले नहीं पा रही थी और डॉक्टर ने भी बोला कि एक्सट्रीम चिल्स में स्पॉन्ज नहीं दो। बस थैंकफुली संडे को जब ये वाला 106 वाला हुआ तो उसका बुखार एक डेढ़ घंटे में टूट गया, नहीं तो हमने बैग्स पैक कर लिए थे, हम हॉस्पिटल आने वाले थे। तो बुखार टूट गया तो डॉक्टर ने कहा आप अभी घर पे ही रहो, बिकॉज कोई और सिम्टम नहीं है, तो मोस्ट लाइकली इट्स अ वायरल और वायरल में फीवर मैनेजमेंट के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरीके से रात हुई, रात को 9 बजे फिर उसको 103.8 बुखार स्टार्ट हो गया और हमें लगा बस अभी किसी भी टाइम ऊपर जाएगा। तो हमने फिर से उसे वो फीवर रिड्यूसर दी जो आप 8 घंटे से पहले नहीं दे सकते, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत हैवी है, तो चाहे जितना भी बुखार हो आपको उस 8 घंटे का वेट करना है। बट उसके एक डेढ़ घंटे बाद भी बुखार नहीं टूटा, चिल्स बढ़ने लग गए, तो हमने डॉक्टर से बात करी और उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, बिकॉज इससे पहले कि बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाए, बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फीवर में आप सिर्फ सपोर्टिव केयर कर सकते हो और साथ ही क्योंकि इतना हाई फीवर जा रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना होगा। सो हम इमिजिएटली बैग्स पैक करके 10:30 बजे रात को सौरभ और नानी कबीर को लेके हॉस्पिटल आ गए, यहाँ पे एडमिट करा दिया। मैं नूर के साथ ही थी एंड सबसे पहले उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह उसके ले लिए थे। हॉस्पिटल में आके जैसे ही हाइड्रेशन स्टार्ट हुआ उसका बुखार थोड़ा कम होने लग गया। गुड थिंग था कि घर पे उसने दो दिन इसलिए निकाल लिया बिकॉज घर पे वो प्रॉपर हाइड्रेशन ले रहा था, खाना ले रहा था, बट 105-6 बुखार में बॉडी इतना टूट जाती है एक नॉर्मल बंदे की भी कि एक बच्चा और कितना ही ले सकता था। तभी जब रात का बुखार आया तो उसने बोला मुझे ड्राउजी फील होना स्टार्ट हो रहा है, उसका हार्ट रेट भी बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ लाने के बाद उसके सारे टेस्ट हुए। नाउ डॉक्टर्स को लग रहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। कोविड का टेस्ट हुआ, कोविड नेगेटिव था, बाकी फ्लू का टेस्ट हुआ है जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, बट जितने भी ब्लड टेस्ट हुए टाइफॉइड मलेरिया डेंगू हर चीज़ नेगेटिव है। ब्लड मार्कर्स उसके हाई हैं जो ये दिखाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, बट वो बैक्टीरियल है या वायरल है वो फिगर आउट करने के लिए ब्लड कल्चर रिपोर्ट्स दी गई हैं। अभी भी गाइस उसको हर 6 घंटे में बुखार आ रहा है और फीवर हाई की तरफ ही जा रहा है। सो अब हमें हॉस्पिटल में 2 दिन हो चुके हैं, आज ट्यूसडे है। सो अब पॉइंट ये है कि बुखार टूटना ज़रूरी है। सबसे पहले बुखार इतना टूटना चाहिए कि वो क्रोसिन से मैनेज हो सके या कैल्पॉल से मैनेज हो सके। अभी तो हम डिपेंड उसी वाली रिड्यूसर मेडिसिन पे कर रहे हैं। और दूसरा बुखार फिर प्रॉपरली भी टूटे, 24 घंटे अगर बुखार नहीं रहेगा दैट इज़ अ साइन कि अब रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया। अभी भी उसको कोई और सिम्टम नहीं है, ना उसको पेट में दर्द है, ना उसको कोई खांसी है, ना कुछ है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, उसकी ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो सारे साइंस यही कह रहे हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो ये जो नए वायरल के स्ट्रेन्स लग रहे हैं अभी ऐसा लग रहा है कि वही हो सकता है, बिकॉज बैक्टीरियल कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी दी अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी, बिकॉज ब्रेन में भी फीवर जाने के चांसेस वगैरह हैं, ऑल दो उसको सारी वैक्सीन्स लगी हुई हैं, बट यू नो वो भी मतलब एंटीबायोटिक वायरल पे काम नहीं करती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करती है, बट बैक्टीरिया कुछ है ही नहीं। तो वायरल अगर है तो क्या है वो देखते हैं। अभी स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आनी है और हो सकता है अब अडीनो वायरस का भी टेस्ट हो, बिकॉज अडीनो वायरस में भी फीवर काफ़ी हाई जा रहा है। बट बेसिकली साइकिल ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं हम, एंड एक्सट्रीम वीकनेस आ गई है उसको,
फाइट कर रहा है अभी भी, मतलब जितनी बार पानी पिलाते हैं पी लेता है, अपार्ट फ्रॉम जो उसको फ्लूइड्स लगे हुए हैं, खाना भी थोड़ा बहुत खा लेता है मोटिवेट करके। तो है टफ, अभी बहुत टफ हो रहा है, बट आई थिंक जितने भी मैंने ओपिनियंस लिए हर जगह सब यही बोल रहे हैं, और डॉक्टर्स भी एंड सब, कि उसको हॉस्पिटल में ही रखना ज़रूरी है, बिकॉज हॉस्पिटल से कम उसको हाइड्रेशन मिल रहा है, और वो हाइड्रेशन मिल रहा है जिसकी वजह से बॉडी फाइट कर पाएगी, बिकॉज अगर बुखार है तो बॉडी को भी फाइट करना है, बॉडी इज़ किलिंग द वायरस, और जितना भी टाइम लगे बॉडी विल हैव टू फाइट इट। तो एक साइकिल ये ब्रेक होगा, उसके बाद हम उसको घर लेके चले जाएंगे। आप लोग भी कबीर के लिए प्रे कीजिएगा, उसको ऐसा कभी नहीं हुआ है, एंड ये जो वायरसेस हैं इनका काम ही है हमें आके डिस्ट्रॉय करना, बट ह्यूमन बॉडी का भी काम है उनसे ज़्यादा पावरफुल निकल के आना। तो या जस्ट प्रे फॉर हिम गाइज, जस्ट गिव हिम योर ब्लेसिंग्स, और अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं सो यू नो मे बी स्पीक टू योर डॉक्टर्स एंड टाइमली एक्शन लीजिए, बिकॉज देखिए मेन चीज़ है कि अगर बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाएगी तो बॉडी की रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हाइड्रेशन इज़ द की, एंड इस टाइम पे सॉलिड्स पे भी नहीं फोकस करना है, आपको लिक्विड्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है, और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बॉडी में बनानी है कि बॉडी से फाइट कर सके। But you handled it. Good. Are you feeling any pain now? No. Do you think you're brave or weak? Mm-hmm. You're brave? Mm-hmm. Very good. You're strong. It's done. You have taken more pain than this, right, Kabir? Remember when you gave your blood test? Very brave. Bas, done. सो गाइज, कबीर के और टेस्ट्स की रिपोर्ट आ गई हैं, उसका कोविड, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा सब नेगेटिव है, उसका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर है, उसका चेस्ट एक्सरे बिल्कुल क्लियर है। बट कल शाम को थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया था, बिकॉज जो बुखार है वो वापस 105 पहुंच गया था। अब ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता, लास्ट जो हम देख रहे थे वो 103.5 पे रुक रहा था ओवर द लास्ट 2 डेज, बट कल वो फिर से 105 पहुंच गया। तो कल तो उसको जो फीवर रिड्यूसर जो मेन मेडिसिन है वो और जल्दी देनी पड़ी, मतलब और टिपिकली उसमें गैप आना स्टार्ट हो गया था बट वो और जल्दी देनी पड़ी। तो मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ कि कबीर इज़ बेटर, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि वो फाइट कर रहा है। जब उसका बुखार कम आता है तब वो खाना भी खा रहा है, हाइड्रेशन भी ले रहा है, थोड़ा वॉक भी कर रहा है, बट जब बुखार बढ़ता है तो बॉडी में चिल्स आते हैं और तब वो कुछ भी नहीं कर पाता। साथ ही कल रात से उसको थोड़ी सी खांसी स्टार्ट हुई है और थोड़ा नोज़ ब्लॉक है। तो अभी भी जो लेटेस्ट डॉक्टर देख के गए हैं वो कह रहे हैं कि सारे सिम्टम्स वायरल के लग रहे हैं। हाउएवर आज 5वां दिन हो चुका है, सो वी डोंट नो। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था दो रीज़न से, एक तो सब लोगों के प्रेयर्स के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, जब इतने लोग और अच्छे दिल वाले लोग आपके लिए मिलके प्रे करते हैं ना, देर इज़ नो वे दैट एनीथिंग विल इम्पैक्ट यू। तो एक वो रीज़न था, एंड दूसरा रीज़न था कि मुझे पता चले कि क्या कोई और पेरेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है, जिससे थोड़ा सा एटलीस्ट ये पता चलता है कि इज़ इट कॉमन राइट नाउ, इज़ इट नॉट कॉमन, बिकॉज एक हॉस्पिटल के रूम में बैठे हुए आपको ये सब नहीं पता चलता है। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे बताया कि बहुत लोग अपने बच्चों के साथ ये सिनेरियो देख रहे हैं और बुखार को टूटने में 7 डेज 10 डेज लग रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स बताए जहाँ पर इस तरीके के फीवर में बिल्कुल ही कुछ और निकल के आया, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आपकी भी मदद हो सके। तो वो सारे इंस्टेंसेस हम डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लोगों के साथ निकल के आ रही हैं, तो क्या हम वो ट्राई कर सकते हैं कि कबीर का ये टेस्ट कर लें, वो टेस्ट कर लें। सो लेट्स सी, अभी उसको हार्ट इको के लिए लेके जाएंगे एक बार, वो भी करके देख रहे हैं कि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, बट 99.9% इट इज़ अ वायरल। नाउ वेट एंड वॉच है कि वायरल ब्रेक कब होता है, मतलब फीवर ब्रेक कब होता है। सो अभी तो हर 6 आवर्स में फीवर आ रहा है और अभी भी क्रोसिन काम नहीं कर रही है। सो जस्ट प्रे फॉर अस गाइज, आज महाअष्टमी है, अभी मैंने कभी को थोड़ा प्रसाद भी खिलाया है, बट आप भी कीजिएगा, रमदान चल रहा है और नवरात्रे भी अभी चल रहे थे आज, सब लोग आई एम श्योर प्रे कर रहे होंगे, तो हमें अपनी प्रेयर्स में ज़रूर रखिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कबीर जल्दी ठीक हो जाएगा।